ओके, क्वेश्चन नंबर 21 to 35 HCV 1 चैप्टर 2 फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। 21, कर्व इज रिप्रेजेंटेड बाय वाई इज इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है। इफ एक्स चेंजेस फ्रॉम दिस टू दिस, फाइंड अप्रॉक्सीमेटली द चेंज इन वाई, ठीक है। चेंज इन एक्स इज गिवन, दोनों वैल्यू का डिफरेंस ले लिया तो पाई बाय 100 आ गया। तो वाई इज इक्वल टू साइन एक्स फंक्शन दिया, डिफरेंशिएट कर दो, कॉस एक्स हो जाएगा, डी एक्स को इधर भेज दो। अभी कॉस एक्स की वैल्यू भी दी है और डी एक्स की वैल्यू भी हमने निकाल ली है। वैल्यू दोनों पुट करने के बाद, सिंप्लीफाई करने के बाद 0.015 आ जाएगा, 0.0157 आ जाएगा। ऑल राइट, डिफरेंशिएशन का यूज़ है इसमें, और चेंज ऑफ स्मॉल चेंज में डी लिखते हैं ना, स्मॉल चेंजेस है जी, दिस इज अ स्मॉल चेंज है ना, तो वी कैन जस्ट अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू बोला है, और इससे भी कम होना चाहिए, बट दिस विल डू। नेक्स्ट वन इज 22, इलेक्ट्रिक करंट की इक्वेशन दी हुई है ना, ये वेयर आई नॉट आर एंड सी आर द कॉन्स्टेंट पैरामीटर्स, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट एट दीज टाइम्स। डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएशन का थोड़ा बता दूं मैं, अगर ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई टू द पावर एक्स होता है, अगर सपोज कोई कॉन्स्टेंट आगे आ गया तो वो कॉन्स्टेंट साइन के साथ आगे आ जाएगा, और ये एडिट दी जाएगा जो है, बस कांस्टेंट आगे आ जाएगा, दैट इज़ व्हाट डन इज डन हियर। यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, -1/RC है, वो आगे आ गया, बस उसके बाद एक एक करके वैल्यू पुट करके सॉल्व करते गए। टी इज इक्वल टू 0 पर ये टर्म 1 हो जाएगा, टी इज इक्वल टू RC पर RC कैंसिल हो जाएगा, -1 बचेगा नीचे आ जाएगा, 10 RC पर -10 बचेगा नीचे आके ये ऐसे आ जाएगा आंसर। ऑल राइट, तो डिफरेंशिएशन है इसमें और वैल्यूज पुट करनी है, रेट पूछा ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। ऐसे इसमें भी, इसमें सिमिलर टू दिस इज दिस वन आल्सो, करंट की इक्वेशन दी है RC सर्किट में, आई नॉट RC ये सब कांस्टेंट हैं, ये सब वैल्यूज भी दिए हैं भी इसमें, फाइंड द करंट एंड टी इज इक्वल टू एट टी इज इक्वल टू 0.3, तो ये सब वैल्यू पुट कर दो, टी की वैल्यू, RC की, आई नॉट की, तो ये सब पूरा सॉल्व होने के बाद इतना बचता है और ये डिनोमिनेटर में आएगा, e^-1 है तो 2/e आ गया, और यही आंसर हो गया मीटर एम्पियर, सॉरी। सेकंड पार्ट में फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा उस फंक्शन को, तो टी का कोएफिशिएंट आगे आ गया, फिर से वैल्यूज पुट करने के बाद, सिंप्लीफाई होने के बाद ये, फिर ये, तो 20 -20/3 इज़ द फाइनल आंसर एम्पियर पर सेकेंड। सी थर्ड वाले में देखो, ये सेकेंड का हमने यूटिलाइज़ कर दिया, DI/DT ये, और ये जो वैल्यू है ये यहाँ पर, तो यहाँ पर DT उन्होंने देखो 0.31 है, तो डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर कितना है, 0.31 है ना, तो इनिशियल टेम्परेचर 0.31 था, तो और 0.30 था, ये 0.3, तो डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर 0.01, तो इसमें पुट कर देंगे, ये ऊपर वाला रिलेशन है बी का, ई की वैल्यू नहीं पुट करनी है एज इट इज़, यहाँ से ये इसको इधर इधर शिफ्ट कर दिया, सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया DI, तो एट टी इज इक्वल टू 0.31, ये चेंज ऑफ करंट आ गया, तो 0.30 पर करंट ये था, I/2/E, चेंज इसमें ऐड हो गया माइनस साइन के साथ है ना, तो सिंप्लीफाई किया तो 5.8/3। गुड क्वेश्चन, थर्ड पार्ट इज़ गुड, तो यू कैन सी फुल सोल्यूशन। ओके, दिस पार्ट द की पॉइंट, यहाँ पे डिफरेंस करके लिखना है, DT इज द डिफरेंस ऑफ टू टाइम्स, 0.31 और 0.30 उसके बीच का, तो चेंज ऑफ करंट मिल जाता है, और 0.30 पर इतना करंट था, ये चेंज उसमें प्लस हो जाएगा, बट वो माइनस है तो इसलिए माइनस हो रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड द एरिया बाउंडेड अंडर दिस कर्व एंड एक्स एक्सिस विद द ऑर्डिनेट्स x=5 and x=10। यहाँ कहीं पे 5 ले लो, ये 10 होगा, इसमें नहीं दिखाना हमें। ओके, चलो यहाँ पे थोड़ा सा मार्क कर देते हैं, समवेयर 5 ईयर और समवेयर 10 ईयर है ना, तो ये हो गया। तो बस इसमें छोटा सा एलिमेंट्री थिकनेस ली DA, DX,
उसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू, तो इसका एरिया कितना होगा, वाई इंटू डी एक्स एलिमेंट्री स्ट्रिप का, और कहाँ से कहाँ तक निकला है, 5 to 10, ये 5 हो गया, ये 10 हो गया x की वैल्यू। तो y फंक्शन की वैल्यू ऊपर से पुट कर दी, इंटीग्रेट कर दिया है ना, इंटीग्रेट कर दिया, अलग अलग कर दिया प्लस है बीच में, अलग अलग करके लिमिट लगा दी, लिमिट्स की वैल्यू पुट की, तो ये आंसर आ जाएगा 1135 आंसर आ जाएगा। तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन है एरिया, इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, ऐड करना। तो छोटे 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 एलिमेंट्री एरिया निकाल लिया, उसको हमने इंटीग्रेशन कर दिया, मतलब छोटे छोटे एलिमेंट्स ऐड कर दिए, कहाँ से कहाँ तक, 5 से 10 तक, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन सिमिलर, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द वाई इक्वल टू साइन एक्स एंड एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर π तक, ये 0 होता है, ये पाई और ये 2π होता है ना। वैसे हमें डायग्राम की ज़रूरत नहीं है, पहले फंक्शन में ही हम फंक्शन से निकाल सकते हैं विदाउट डायग्राम। तो y की वैल्यू, अच्छा इसमें नैरो एलिमेंट्री स्ट्रिप ले ली dx थिकनेस की और हाइट y की, तो इसका एरिया y इंटू डी वाई, इंटीग्रेट कर दिया 0 से π तक, जो कंडीशन दी है हमें लिमिट्स ये, और y का फंक्शन साइन x है, तो साइन x का माइनस कॉस x होता है, माइनस बाहर लिमिट्स लगा देंगे अभी, कॉस पाई माइनस 1 होता है और ये कॉस 0 इज़ 1, बीच में माइनस आते ही लिमिट्स लगाने के बाद, तो ये 2, तो ये एरिया 2 आएगा, शेडेड पार्ट का एरिया। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व ई वाई टू दी पावर वाई इज इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस एक्स द एक्स एक्सिस एंड द वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई है, ठीक है। तो एरिया कहाँ तक जाएगा देखते हैं, कहाँ तक जाएगा जी, तो एट एक्स इज इक्वल टू 0 वाई 1 है, यहाँ से स्टार्ट होगा वाई 1, एक्स इज इक्वल टू इनफाइनाइट, y 0 का हो रहा है इनफाइनाइट पे जाके, तो x जो है 0 से लेकर y एक्सिस को कहाँ पे टच करेगा, इनफाइनाइट, तो x की लिमिट 0 से पाई तक जाए, 0 से इनफाइनाइट तक जाएगी, ठीक है। तो y की वैल्यू पुट कर दी, इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर माइनस एक्स रिमेंस ई टू द पावर माइनस एक्स, लेकिन जो कांस्टेंट है वो नीचे आ जाता है, कांस्टेंट माइनस 1 है, तो माइनस ही रहेगा बाहर, लिमिट पुट कर देंगे, सॉरी यहाँ पर लिमिट पुट कर दी, ये 1/e^2 इनफाइनाइट हो गया, ये इनफाइनाइट हो जाएगा बिकॉज e की वैल्यू कितनी होती है, 2.718 होती, तो 2.7 का इनफाइनाइट तक करेंगे तो इनफाइनाइट वैल्यू आ जाएगी, एनीथिंग डिवाइड बाय इनफाइनाइट इज़ 0, और e^0 इज़ 1, तो ये 1 ही रहने वाला है, तो बाहर माइनस है तो इसलिए 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यू कैन सी द सॉल्यूशन, नेक्स्ट वन एक दिया, एक रॉड है लेंथ एल की, एक्स एक्सिस एक्स इज इक्वल टू 0 से लेकर एल तक है, द लीनियर डेंसिटी मतलब मास पर यूनिट लेंथ, 1 मीटर लेंथ का मास रो है ना, विच इज वेरिंग, मास पर यूनिट लेंथ मतलब 1 मीटर का, ऐसे ऐसे बोलते हैं, मतलब मास पर यूनिट लेंथ मीन 1 मीटर, विच इज वेरिंग विद द डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द ओरिजिन एज दिस, ये फंक्शन से चेंज हो रही है उसकी लीनियर मास डेंसिटी, फाइंड द एसआई यूनिट ऑफ ए एंड बी, तो रो इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स दिया है, तो रो क्या मास पर यूनिट लेंथ है, के जी पर मीटर, तो लाइक डायमेंशन कैन बी एडेड, इसकी डायमेंशन इसके बराबर होंगी, ए की डायमेंशन के जी पर मीटर और इन दोनों के डायमेंशन मिला के इसके बराबर होंगी, तो बी एक्स इज इक्वल टू रो, तो एक्स को नीचे भेज दो, तो बी इज इक्वल टू बी नीचे आ जाएगा, आई मीन बी की निकल एक्स नीचे आ जाएगा, तो रो बाई एक्स, क्योंकि दिस शुड बी इक्वल टू रो इन टर्म्स ऑफ डायमेंशन है ना, तो रो की डायमेंशन पुट कर दी, एक्स की मीटर पुट कर दी, तो के जी पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, है ना। नाउ आगे क्या करना है, फाइंड द मास ऑफ द रॉड, कंप्लीट मास ऑफ द रॉड निकालना है,
तो रो इज द मास फॉर वन मीटर, देयर फोर फॉर डी एक्स मीटर मास विल बी रो इंटू डी एक्स, ये वन मीटर का है, डी एक्स मीटर लेंथ के लिए मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मास इसका मास जो है डी एक्स मीटर का रो इंटू रो, ये जो मास है डी एम रो वन मीटर के लिए डी एक्स मीटर के लिए मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डी एम का मास हो जाएगा। तो टोटल मास इंडिकेट कर देंगे, ये हमें डी एक्स का मास मिला डी एम, तो टोटल के लिए इंडिकेट कर देंगे कहाँ से कहाँ तक, जीरो से लेकर एल तक, ठीक है। पार्ट बाय पार्ट इंटीग्रेट कर दो, मतलब इसको अलग अलग इंटीग्रेट कर लो, प्लस है बीच में तो अलग अलग कर सकते हैं, ए को अलग कर लिया ए डी एक्स, और बी बी एक्स डी एक्स को अलग कर दिया, ए कांस्टेंट बाहर निकाल लो, बी कांस्टेंट बाहर निकाल लो, तो वन का इंटीग्रेशन एक्स हो जाएगा, लिमिट जीरो से एल है, और एक्स स्क्वायर का, एक्स का एक्स स्क्वायर बाई टू लिमिट लगा देंगे, तो ये आंसर, लोअर लिमिट जीरो है तो अपर लिमिट ही बचती है बस, तो ये आंसर है। ऑल राइट, तो दैट इज़ हाउ, ये तो मास पर यूनिट लेंथ के टर्म्स में हम लोग डील कर रहे हैं, वेरिएबल कंडीशन है, अदरवाइज वेरिएबल कंडीशन नहीं होती तो यूनिट मास, एक मीटर का मास रो एल मीटर का रो एल, रो एल आंसर आ जाता है अगर एक कांस्टेंट होता है। ट्वेंटी एट, द मोमेंटम पी ऑफ द पार्टिकल चेंजेस विद टाइम टी अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन, इफ द मोमेंटम इज जीरो एट टी इक्वल टू जीरो, व्हाट विल बी द मोमेंटम एट टी इक्वल टू 10 सेकेंड। पी निकालना है और डी पी बाई डी टी दिया, तो डी टी को इधर भेज दो, तो ये आ जाएगा रिलेशन, तभी दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेशन में जीरो पर जीरो है और टेन पर पी है, वो निकालना है हमें पी, बस इसकी इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, टेन का टेन, टेन का टेन टी हो जाएगा और टू टी का टू टी स्क्वायर बाई टू, टू टू कैंसिल हो जाएगा, जैसे लिमिट लगा देंगे टी की, लोअर लिमिट तो ज़ीरो है, टी की जगह टेन, यहाँ पे टी स्क्वायर है तो हंड्रेड हो जाएगा अपर लिमिट आने से, हंड्रेड प्लस हंड्रेड 200। तो ये थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तुम लोगों को, लिमिट्स वगैरह इसके लिए लेक्चर्स देखने पड़ेंगे जिनको नहीं आते। ऑल राइट, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पी वाज गिवन, पी निकालना था तो इंटीग्रेशन से डी टी को राइट राइट साइड में भेज के इंटीग्रेट कर दिया, ले ये कंडीशन दी थी टी इज इक्वल टू जीरो पर जीरो है, व्हाट विल बी द मोमेंटम एट 10 सेकंड, तो 10 पर हमने पी ले लिया, तो पी की वैल्यू निकाल ली, पी का फंक्शन निकाल ली, फंक्शन क्या पूरी वैल्यूज आ गई। 29, चेंज इन द फंक्शन वाई एंड द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स इज गिवन, डी वाई बाई डी एक्स इज एक्स स्क्वायर, फाइंड वाई एज ए फंक्शन ऑफ एक्स, तो फिर से इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, डी एक्स को इधर ले आओ, तो डी वाई यदि करो एक्स स्क्वायर डी एक्स, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो अभी, तो लिमिट्स नहीं दिए कहाँ से कहाँ तक, तो डेफिनेट इनडेफिनेट इंटीग्रल है, तो इसको इंटीग्रेट करके वन का वाई हो गया, एक्स स्क्वायर का एक्स क्यू बाई थ्री हो गया, प्लस सी लिख देते कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, जब हमें और इन्फॉर्मेशन दी होंगी तो सी की वैल्यू निकाल सकते, अदरवाइज ऐसे छोड़ देंगे। नाउ नेक्स्ट वन इज राइट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स इन दिस दिस दिस, तो इसमें देखो जीरो अगर बीच में आते, नॉन जीरो लिमिट, नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आते तो वो सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं, तो फोर हो गए, इसमें भी बीच में आ रहे हैं, डेसिमल के बाद वाले जो जीरो होते हैं सिग्निफिकेंट होते हैं, ये रूल एनसीईआरटी बुक के रूल्स पढ़ सकते हैं, और अगर डिजिट्स लेस देन वन है, छोटी है एक से, तो प्रीसीडिंग जीरो, प्रीसीडिंग जीरोस आर नॉन सिग्निफिकेंट, तो इसके बीच वाले तो जीरो होते हैं सिग्निफिकेंट, प्रीसीडिंग वाले नहीं होंगे, ये हट जाएंगे, तो इसमें भी फोर, डिजिट इज लेस देन वन देयर फोर प्रीसीडिंग जीरोज आर लेस देन वन, मतलब डेसिमल में छोटी है, वन से छोटी है, डेसिमल आगे आएगा कहीं, तो ये वाले सब जीरो हट जाते हैं, तो फोर। फॉलो द एनसीईआरटी बुक सेकेंड चैप्टर में सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल लिखे। 31, मीटर स्केल इज ग्रेजुएटेड एट एवरी मिलीमीटर, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स विल बी देयर इन द लेंथ मेजरमेंट विद दिस स्केल, सपोज ये स्केल हमने बना लिया,
ये मिलीमीटर के डिविजन्स हैं। एक छोटा सा ऑब्जेक्ट ले लिया हमने जो लेस देन 1 मिलीमीटर है, तो उसकी सपोज रीडिंग 0.5 है, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे? 1। थोड़ा बड़ा ऑब्जेक्ट ले लिया हमने, ये यहाँ से ऐसे होता है ना, ये ब्रेक है, 0 से नहीं स्टार्ट हो रहा, 0 कहीं हो रहा है, रॉड का भी 0 कहीं हो रहा है, 0 0 कोइंसाइड हो रहा है, बट आगे का पार्ट दिखाया बीच का हमने, राइट साइड का दिखाया, तो 20 पॉइंट सपोज मिड पॉइंट से थोड़ा सा आगे 20.6, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो गए? 3। ऐसे यहाँ कहीं पर है कोई सपोज ऐसे है कुछ ऑब्जेक्ट से 2.5 समथिंग, तो इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें 3। 100 को 0 से लेकर 100 वाला डिजिट टच कर रहा है, तो उसको फिर हम 0.0 लिखते हैं उसको, तो 4 डेसिमल के बाद वाला ये डिजिट काउंट होती है इसमें, तो ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, पूरा 100 है, तो हो सकता है वो 100.1 हो, ऐसा कुछ 100.2 हो, है ना, 100.01 हो, ऐसा कुछ, बट एक ही अनसर्टेन डिजिट एक ही ली जाती है बस, 100.0 या 100.1 ले सकते हैं इसको। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स की डेफिनेशन क्या है? ऑल सर्टेन डिजिट्स प्लस 1 अनसर्टेन डिजिट। जैसे इसमें क्या, यहाँ तक तो सर्टेन है 20, ये वाला जो पता नहीं लास्ट वाली डिजिट जो है वो 0.5 भी हो सकती, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स आर ऑल द सर्टेन डिजिट्स एंड 1 अनसर्टेन डिजिट। अनसर्टेन डिजिट इसलिए रखते हैं कि बाद में कैलकुलेशन होंगे तो उसमें फिर एरर्स नहीं होनी चाहिए, एक अनसर्टेन डिजिट रखी जाती है टू अवॉइड द फर्दर एरर इन द फर्दर कैलकुलेशंस, इसलिए अनसर्टेन डिजिट रखी जाती है। तो रीड द एनसीईआरटी बुक फॉर द करेक्ट डेफिनेशन इन एससीवी। 32 देखते हैं। राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये तो लास्ट वाला 0 कर देंगे, लास्ट में 0 होता है विदाउट डेसिमल वाले नंबर में, तो इनसिग्निफिकेंट, तो 72 है, लेस देन 75 है तो 70 रहेगा, मोर देन 75 होता तो 80 हो जाता है, तो ये 70 हो गया। अभी ये भी हटानी है, 7 भी हटानी है, तो ये वाली डिजिट बढ़ जाएगी एक, 35 4 की जगह 5 हो जाएगी, आगे 0 0 हो जाएगी, तो लास्ट वाले 0 इनसिग्निफिकेंट होते हैं विदाउट डेसिमल वाले नंबर पे। तो दिस इज क्लोज टू 3500, जिसमें 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, डेसिमल वाले हैं, तो 6 वाली हटानी है पहले, तो प्रेसिडिंग डिजिट 2 हो जाएगी, तो ये आ जाएगा। अभी ये भी हटानी है, तो लेस देन 5 है तो प्रेसिडिंग डिजिट चेंज नहीं होगी, तो 84 रह जाएगा। अभी इस पे आते हैं 2.55, लास्ट डिजिट हटानी है, तो पहले वाली ऑड है, तो ऑड को इवन ऑड नंबर है तो वो बढ़ जाती है, वो 5 है तो 6 हो जाएगी, और इसमें भी वही 5 है, 5 हटाना है, लेकिन पहले वाली इवन है तो वो नहीं बढ़ती, ये रूल है, ऑड अच्छी नहीं लगती, ऑड अच्छा नहीं लगता, इसलिए 5 जब हटाते हैं तो इवन बना देते हैं उसको, जस्ट ऐसे याद रख सकते हैं, बट दिस इज़ द रूल। अगर लास्ट 5 है तो क्या होगा, बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी प्रेसिडिंग डिजिट पहले वाली? तो यस एंड नो बोथ, अगर प्रिसीडिंग वाली जो पहले इवन ऑड है तो बढ़ जाएगी, इवन बना दिया जाएगा उसको, 5 का 6 कर दिया जाएगा, और पहले वाली डिजिट अगर तुम्हारी पहले वाली सपोज पहले वाली ऑड थी तो बढ़ जाएगी वो, 5 का 6 हो गया, पहले वाली इवन है और लास्ट वाली 5 है, तो जब ये 5 हटेगा तो इवन है तो वैसा ही रहेगा, नहीं बढ़ेगी वो। तो दिस इज अगेन एनसीईआरटी बुक रूल्स, जस्ट फॉलो द बुक। 33 देखेंगे। लेंथ एंड द रेडियस ऑफ द सिलेंडर आर मेजर्ड विद द स्लाइड कैलिपर्स आर फाउंड टू बी दिस मच एंड दिस मच रिस्पेक्टिवली, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, पाई आर स्क्वायर एल, पाई की वैल्यू पुट कर दी, आर की वैल्यू ये दिए पुट कर दी, एल की वैल्यू ये सॉल्व करेंगे 18.7। तो इसमें इन टू है, इन टू में मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स, दोनों में 3 3 है तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर पे राउंड अप करेंगे, तो इतना आ गई, तो ये हटेगी, तो पीछे वाली 0 है तो इसको बढ़ाओ या बढ़ाओ, ऑड 1 इसको इवन लेते हैं, 1 इज ऑड तो उससे पहले वाली इवन, तो ये बढ़ेगी नहीं, तो ये 71 हो गया। अभी 1 भी हटेगा तो लेस देन 5 है तो ये भी नहीं बढ़ेगा, तो 7 ही रहेगा फिर लास्ट डिजिट, 18.7।
बुक में इसका आंसर 43.7 दिया है, तो कैलकुलेशन प्रॉब्लम है, दिस मच डिफरेंस विल नॉट कम, तो दिस इज द आंसर. नेक्स्ट वन इज द थिकनेस ऑफ द ग्लास प्लेट इज मेजर टू बी दिस दिस दिस, फाइंड द एवरेज वैल्यू. तो सबको ऐड करके डिवाइड बाय 3 कर दो. जब ऐड करते हैं तो मिनिमम डेसिमल प्लेसेस रखे जाए, सभी में मिनिमम डेसिमल प्लेसेस दो ही हैं, तो यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस इतने आ जाएंगे दो. फिर डिवाइड करते हैं तो सिग्निफिकेंट फिगर्स देखते हैं, तो डिवीजन में इतना आ गया, सिग्निफिकेंट सब में कम सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो इसमें जो है 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स रिटर्न करेंगे तो ये हट जाएगा, तो ये आ जाएगा 2.17. ठीक है, ये क्वेश्चन देखेंगे 35. द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ द सिंपल पेंडुलम इज गिवन दिस मच 90, और ऐसे रहती है, ये लेंथ है, ऐसा हुक रहेगा और ये तुम्हारा बॉब रहेगा, तो ये डिस्टेंस भी दी है तुम्हारी कितनी 2.13 हुक के साथ बॉब की, दोनों ऐड कर लिया 92.13 टोटल लेंथ, इफेक्टिव लेंथ बोलिए, तो बॉब के सेंटर से और सस्पेंशन, ये इफेक्टिव लेंथ, तो दोनों ऐड कर लेंगे तो ये आ जाएगा. अभी एडिशन में मिनिमम डेसिमल प्लेसेस रखे जाते हैं, इसमें एक डेसिमल प्लेस है, इसमें दो है, तो हम एक ही रखना पड़ेगा, हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं देख रहे हैं, इसमें डेसिमल प्लेसेस देखे जाते हैं, एक डेसिमल प्लेसेस रिटेन करना है हमें, तो 3 हटेगा, लेस देन 5 है तो प्रेसिडिंग डिजिट नहीं बढ़ेगी, 1 ही रहेगा, ओनली 1 डेसिमल प्लेस विल बी केप्ट बिकॉज इट इज़ एडिशन. तो रूल है ये NCERT बुक का, अगर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन है तो मिनिमम डेसिमल प्लेसेस देखे जाते हैं, जो मेजरमेंट में मिनिमम डेसिमल प्लेसेस है वही रखे जाते हैं, बट इन दोनों में मिनिमम दो दो हैं, नहीं इसमें सॉरी इसमें 0 एक ही है, इसमें 2 है, तो एक ही रखना पड़ेगा हमें, सिग्निफिकेंट फिगर नहीं देखना है आपको, सिग्निफिकेंट फिगर इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो सिग्निफिकेंट फिगर किस में देखने पड़ते हैं हमें, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में. That's all in this. This chapter is over. We'll continue with the next chapter in the next lectures, next classes. Thank you very much. Keep working hard.